अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे स्पेशल वेज मोमोज। पहले हम बनाते हैं मोमोज की चटनी, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक पैन। उसमें हम ऐड करेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 रेड चिली। ये रेड चिली स्पाइसी वाली थी, इसलिए मैंने 2 ही ऐड की है। आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने ऐड किया है 3 टमाटोस और हमें इसे अच्छे से उबाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब हम टमाटोस के ऊपर के कवर्स को निकाल लेंगे और उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। टमाटोस को और मिर्ची को भी हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और उसे हम थोड़ी देर फैन के नीचे ठंडा होने रखेंगे। उसके बाद ही हमें उसे ग्राइंड करना है, गरम गरम में हमें ग्राइंड नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे टमाटोज और चिल्ली को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी। अब हम फिर से पैन रखेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। उसके बाद हम ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक, जो मैंने एकदम बारीक चॉप किया है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऐड किया है। अगर आपको सोया सॉस नहीं पसंद तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम हमारे टमाटो की जो प्यूरी हमने करके रखी थी वो ऐड कर देंगे उसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर आने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे टमाटो कैचअप। और अब उसमें हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी चटनी रेडी हो चुकी है। तो अब हम बना लेंगे हमारी मोमोज की स्टफिंग, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप ऑफ कैबेज, 1 कप ऑफ कैरेट, 1 मीडियम ऑनियन। इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे 10 मिनट्स तक झांक कर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक वाइट कॉटन का कपड़ा लिया है जिसमें हम ये सारी वेजेस डाल देंगे और इसमें का जो भी पानी है हमें उसे निथार लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कर रही हूँ, इसे पूरा पानी निकाल देना है हमें। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पानी निकाल के हो चुका है। अब वही बाउल में हम हमारी वेजेस निकालेंगे और इसे खुला खुला करके लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें भी थोड़ा भी पानी नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस और अब इसमें ऐड करेंगे हम चिल्ली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, आपको अगर ग्रीन चिल्ली पसंद है आप तो वो भी ऐड कर सकते हो, आपको जो पसंद है आप वो ऐड कर लेना। ओके, अब
हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब फाइनल हमारे बनने जा रहे हैं मोमोज। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने लिया है 1 कप ऑफ मैदा, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे एक अच्छा आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें पानी डाल के इसका एक अच्छा सा आटा गूंद लेंगे। हम इसे एकदम आटे को एकदम कड़क भी नहीं करना है, नरम भी नहीं करना है, मीडियम रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा आटा हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल लगा के इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढककर। आफ्टर 20 मिनट यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मोमोज बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर मेरी मॉम मुझे हेल्प कर रही थी, तो इसे हम अब ऐसे गोल पूरी जैसा बनाएंगे, उसमें फिलिंग डालकर उसे मोमोज का शेप दे देंगे। आपको जैसा शेप आता है आप वैसा शेप दे सकते हो। पर आप देख सकते हो मैं भी बना रही हूँ मोमोज डिफरेंट डिफरेंट शेप में। तो ज़रूरी नहीं है परफेक्ट ही चाहिए, आपको जैसा आता है आप वैसा बना सकते हो। बिना पानी लगाए मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हो एक बूंद भी पानी नहीं लगाया है मैंने इसमें। ये मैंने मोदक की शेप में बनाया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है इडली का बर्तन, जिसमें हम नीचे पानी ऐड करेंगे और उसमें एक टुकड़ा नींबू डालेंगे। मेरे पास नींबू अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इमली डाला, ताकि हमारा जो बर्तन है वो काला ना हो। अब हम इसमें प्रीहीट करने छोड़ देंगे और यहाँ पे हमने जो लास्ट वाला है वो वाले इडली के जो प्लेट है उसमें नहीं डाला है, ऊपर के जो 3 प्लेट्स रहते हैं उसमें डाला है, एक को छोड़ दिया है। इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके हम हमारे मोमोज इसमें रख देंगे। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ग्रीस कर रही हूँ। अब हमारे मोमोज इसमें रख देंगे और वहाँ पे हमारा पानी उबल रहा है अच्छे से। देख सकते हो मेरा पानी उबल चुका है, उसमें से धुआं आ रहा है। अब हम इसे रखेंगे। मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कौन सा सेट है, तो यहाँ का जो सब में लास्ट वाला है मैंने उसमें नहीं रखा है, सिर्फ ऊपर के 3 प्लेट्स में मैंने मोमोज को स्टीम होने रखे। अब हम इसे झाँक कर 15 मिनट्स तक छोड़ देंगे। 15 मिनट्स में आपका मोमोज रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे मोमोज रेडी हो चुके हैं और ये बहुत टेस्टी बने थे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।